गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इस चैप्टर के एमसीक्यू को भी कई पार्ट में कराया जाएगा, ठीक। ये जो मैं करा रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि अगले पार्ट को लाया जाए, ठीक। तो इधर इस तरह हम लोग चौथे चैप्टर में इंटर कर चुके हैं पार्ट बी के, और आप देख रहे होंगे अगर मेरा लेक्चर, तो पार्ट ए के दूसरे चैप्टर में हम लोग इंटर कर चुके हैं। मतलब पार्ट ए का दो चैप्टर बचा हुआ है और पार्ट बी का चौथा और लास्ट चैप्टर है, उसमें इंटर कर चुके हैं, ठीक। एक बार हर एक पार्ट का आपको मिल जाएगा, फिर और एमसीक्यू लाए जाएंगे, कई पार्ट में एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करके जाएं। और एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी पेपर बनता है तो आप उसे छोड़ करना है, छोड़ के क्या आएंगे, माइनस मार्किंग तो है नहीं, छोड़ना तो नहीं है, गलत करके ना आए। इस वजह से कई सारे पार्ट में एमसीक्यू आपको अभी दिए जाएंगे, ठीक। इन एमसीक्यू को आप अच्छे से देखें, कहीं पर अगर डाउट होता हो तो टेलीग्राम लिंक पर जाके उसे डाउट को क्लियर करें या व्हाट्सएप पे क्लियर करें। तथा साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ओके। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। तो इसमें से कौन सा न्यूमेरिकल अपर्चर के कॉन्सेप्ट को बता रहा है, तो देखिएगा आप लास्ट टर्म पर मैं डेफिनेशन लिखवाया था, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक। तो न्यूमेरिकल अपर्चर में लिखवाया गया था क्या कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट वो क्या हो रहा है, कलेक्ट कर रहा है। जो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है वो कितने लाइट अमाउंट को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये कौन हम लोग बनाए थे, एक्सेप्टेंस कौन देखे थे और कितना कलेक्शन हो रहा है लाइट का, वही आपका क्या बताता है, न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है, ठीक। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। देखिए डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी डेफिनेशन है और जो डेरिवेशन मैं करवाया हूँ एक्सेप्टेंस एंगल का, वही डेरिवेशन देखिए स्क्रीन पर पूछा हुआ है। आप डिराइव किए थे साइन थीटा मैक्स इक्वल टू अंडर रूट, वहाँ पर मैं जो लिखवाया हूँ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन लिखवाया हूँ और क्लाइडिंग का म्यू टू लिखवाया हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आर्बिट्ररी वैल्यू है, वो तो कोई म्यू वन दे सकता है, कोई एन वन दे सकता है, कोई टी वन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका एन वन एन टू है, इसका मतलब क्या है, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, ये तो रहना ही चाहिए। अगर ऑप्टिकल फाइबर आप यूज कर रहे हैं तो नो डाउट जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लाइडिंग से ज़्यादा रहना ही चाहिए, ठीक, नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, तो उससे क्या होगा, आप जो मैसेज कर रहे हैं प्रॉपर वो क्या होगा, पहुंचेगा नहीं, ठीक। मतलब उससे लाइट जो भेजेंगे आप ऑप्टिकल फाइबर उसमें क्या होंगे, लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और थीटा आई क्या दिया है आपका, एयर एट एन एंगल थीटा आई, देखिए आप फिगर देखिएगा जो मैं क्लास बनाया हूँ वही देखिए, एकदम वहीं से रिलेट करिए, देखिए आपको बी नंबर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। क्या हम लोग लिखे थे, साइन थीटा मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पर म्यू वन म्यू टू एन वन एन टू के फॉर्म में है, तो थीटा मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। एंड ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला होता है, ठीक। इसको आप याद रखिएगा, इस पर एमसीक्यू एग्जाम होने हैं तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के एक्सेप्टेंस एंगल भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो हर तरीके से आप तैयार रहिएगा एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ इट, लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कब जाता है, आपको पता है। देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक। दूसरा कह रहा है इंसिडेंट एट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन क्या आपके गलत हैं, ठीक। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है स्ट्राइक्स द इंटरफेरेंस नॉर्मली, ये भी गलत है, ठीक। क्या होना चाहिए आपका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये डिटेल में लिखवाया गया है एक डेढ़ पेज में आपको अच्छे से। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हैं इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक। ये इंटर का चीज़ है देखिए,
ठीक, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का, जो लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। चार फिनोमेना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो पहला देखिए मिराज फॉर्मेशन होता है, इंटर में आप पढ़े हैं, ठीक। दूसरा देखिए ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग, ये तो पूरा प्रिंसिपल ही ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक। चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, इसका मतलब क्या है, रेनबो वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, नॉट पूछा है, इसका मतलब रेनबो वाला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। रेनबो क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से ये बनता, ठीक। ये सब क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑप्टिकल फाइबर कॉमनली यूज्ड। इसमें से किसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, तो किसमें यूज होता है आपको पता है अच्छे से, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक। इसी के हेल्प से आप क्या करते हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं आज के ज़माने में, रील्स बना के एक दूसरे को भेज पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो फिर आपके दिल की बात शायद पोस्टमैन नहीं पहुँचाता आज भी, जैसे पहले होता था, ठीक। अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, आप डायरेक्ट अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचा देते हैं, ठीक। ए नंबर ऑप्शन इसका जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, इसका क्या होगा, 40 GHz होता है, जो फ्रीक्वेंसी लिमिट होता है वो 40 GHz तक होता है, ओके। आप चैप्टर अगर डिटेल में पढ़े होंगे तथा जो मैं नोट्स बनवाया हूं अगर उसको पढ़े होंगे तो देखिए एक एक एमसीक्यू आप सही करके आएंगे एग्जाम में। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट टेक्स एच या टेक्स अ, कौन सा पाथ फॉलो करता है। तो साफ साफ देखिए दिखाई दे रहा है कौन सा पाथ फॉलो करता है, हेलिकल पाथ बताया था ना, या ये आपका क्या होगा, पैराबोलिक पाथ। मतलब 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आप याद करिए ऐसे हम लोग फिगर बनाए थे, ऐसे ऐसे फिगर बनाया गया था, मतलब ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कुछ ऐसे पाथ को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। या इसको समझाने के लिए देखिए कई सारा लेयर लेके और मैं वहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर करके ये फिगर याद करिएगा जो बनवाया था, ठीक। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जोड़ा गया था, ठीक, और फिर आगे ऐसे ऐसे दिखाया गया था। तो ये क्या कर रहा, देखिए एक पैराबोलिक पाथ, या इसी को हेलिकल पाथ भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये अपने दिमाग में सेट रखिएगा, लिखवाया भी गया है वहाँ पे। अब अर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको मैं अंडरलाइन करवाया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा किस प्रिंसिपल पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर जो आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन, ठीक, तो ये किस में यूज होता है, एंडोस्कोपी में यूज होता है, ठीक। एंडोस्कोपी आप देख सकते हैं, गूगल से भी देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक। इसको पाइप लगा के और कैमरा से क्या किया था, इसमें टेस्ट किया था अंदर पेट के अंदर के डिजीजेस को, ठीक। तो एंडोस्कोपी ये ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से किया जाता है, ठीक। अल्ट्रासाउंड स्कैन एक्सरे ये सब नहीं होगा, ठीक। कैट स्कैन क्या है आपका, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी करके कुछ होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा फुल फॉर्म इसका, ठीक। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच फाइबर इज प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक। देखिए इसके कॉन्सेप्ट समझिए, एक नंबर मैं थोड़ा जूम करता हूँ। कह रहा है कि नीचे दिए गए फाइबरों में से कौन सा फाइबर है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, साफ साफ सुनिए। देखिए मोड क्या होता है, बताया था ना, मोड मींस वे, रास्ता, मतलब लाइट कितने रास्ते को फॉलो करेगा। तो देखिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और यहाँ पर दिया है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर और यहाँ दिया है मल्टी मोड। तो मल्टी मोड फाइबर जब भी आपको दिखे तो तुरंत आप क्या करिए, उसको कट कर दीजिए, क्योंकि जब लाइट एक से ज़्यादा रास्ता को फॉलो करेगा तो उसमें डिस्पर्सन फिनोमेना होगी और क्या होगा, उसमें जो आप मैसेज भेज रहे हैं उससे लॉस होगा और दूसरे सिरे पर रिसीवर तक पूरा मैसेज नहीं पहुंचेगा।
ठीक, क्योंकि उसमें डिस्पर्शन वगैरह होने लगता है। ठीक, फिर ये देखिए ग्रेडियन इंडेक्स फाइबर है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कई सारे लेयर इसमें देखिए होते हैं। अब देखें ना इसमें क्या होता है, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वैरी करता रहता है। इस वजह से ये भी नहीं होगा। सबसे सूटेबल क्या होता है, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, मतलब स्टेप इंडेक्स फाइबर जो होगा अगर सिंगल मोड में है तो एक ही लाइट रे जा रही है तो अच्छे से क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वो अच्छा होगा और ज़्यादातर मैसेज आपका क्या होगा वहाँ पर अच्छे एफिशिएंसी के साथ पहुँचेगा। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मेन एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल केबल ओवर कोएक्सियल केबल इज, ठीक, मेन एडवांटेज क्या था इसका, लो लॉस। ठीक, इसमें जो लॉस थी क्या थी, कोएक्सियल केबल की अपेक्षा बहुत कम था। ठीक, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वेट तो इसका ज़्यादा होगा ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा एकदम यूनिफॉर्म है एंड अंडरगो एन एब्रप्ट चेंज एट क्लैडिंग बाउंड्री विच इज नोन एज। आप देखिए आरआई प्रोफाइल करके हर एक केस में फिगर में बनवाया हूँ, क्या होता था ऐसे देखिए स्टेप वाला बनवाया ना, देखिए तो ये क्या हो रहा है, पूरे थ्रू आउट द कोर क्या है आपका कॉन्स्टेंट है लेकिन अचानक से कोर कैडिंग इंटरफेस पर क्या हो रहा है, एब्रप्ट चेंज हो रहा है। इट मींस दैट ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर के फॉर्म के कैटेगरी में आएगा। ठीक, अगर ग्रेडेड रहता या ग्रीन फाइबर रहता तो ये जो चेंज है आपका कुछ ऐसे ही आता। ठीक, आप आरआई प्रोफाइल देखिएगा जो आपके कॉपी में बनाया गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप एमसीक्यू डेफिनेटली करेक्ट करके आएंगे। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। अब देखिए 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एटेन्यूएशन इज स्पेसिफाइड इन वाट यूनिट्स। देखिए अभी लास्ट टर्न पे लास्ट सैटरडे को मैं बताया हूँ क्लास में, किसमें होता है डेसिबेल पर किलोमीटर, मतलब कितने लंबाई में कितना एटेन्यूएशन हुआ और उसका लॉग के टर्म में फॉर्मूला भी लिखवाया गया, उसको भी आप तैयार करके जाइएगा ताकि अगर आउटपुट और इनपुट का वैल्यू दें तो आप एटेन्यूएशन को कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो इसका क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि फाइबर ऑप्टिक्स यूजेस वाट मीडियम टू सेंड इंफॉर्मेशन। फाइबर ऑप्टिक्स, देखिए ऑप्टिक्स में क्या होता है, जैसे ऑप्टिक्स आप थर्ड सेमेस्टर पढ़े हैं तुरंत लाइट का इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑप्टिक्स मतलब तुरंत लाइट आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स जब यूज कर रहे हैं तो कौन सा मीडियम यूज करेगा इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, तो लाइट वाला मीडियम यूज करेगा, इसी वजह से तो इसका फाइबर ऑप्टिक्स नाम ही पड़ा। ठीक, क्योंकि ये क्या कर रहा था, लाइट को यूज कर रहा था मैसेज को पहुंचाने में, कहां से, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। ठीक, जो आप टू टाइम चैट करते हैं वो पहुँचता है दूसरे फोन तक, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर केबल के हेल्प से ही, ये सब इंटरनेट वगैरह चलते हैं आपको पता ही होगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट अ बाउंड्री बिटवीन मीडियम विथ डिफरेंट इंडेसेस ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्क्राइब वाट ला। देखिए जब मैं क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था तो उसमें स्नेल्स ला महाराज आए थे। ठीक, तो कौन सा ला लगेगा यहाँ पे, स्नेल्स ला लगेगा। ठीक, साइन आई अपान साइन आर और जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान जिससे जा रहा है उसका इक्वल करके लिख दीजिएगा, वही स्नेल्स ला है, ये याद किए रहिएगा, अगर न्यूमेरिकल आता है इस पर तो उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, ठीक, देखिए 16 क्वेश्चन कर रहा है कि द लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर एज लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ फाइबर इज कॉल्ड। डेफिनेशन लिखवाया गया है, क्या कहलाता है आपका, एटेन्यूएशन कहलाता है, कितना एटेन्यूएट हुआ, कितना उसमें छिरड़ हुआ, कितना उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ, वही क्या कहलाता है आपका, एटेन्यूएशन के कैटेगरी में आता है। ओके, 79 क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स डाटा लिंक। डाटा लिंक के लिए तीन पार्ट्स कौन कौन से नेसेसरी हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर होना चाहिए। ठीक, आपका मोबाइल और आपके दोस्त का मोबाइल होना चाहिए, मतलब सोर्स, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपका मोबाइल सोर्स का काम कर रहा है, ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, वो डाटा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके दोस्त के मोबाइल तक पहुंच रहा है, मतलब आपने रील्स बना के भेजा और दोस्त का मोबाइल क्या करेगा उस टाइम,
रिसीवर का काम करेगा। ठीक, तो कौन कौन से तीन कंपोनेंट जरूरी हो गए, एक ट्रांसमीटर, एक क्या हो गया ऑप्टिकल फाइबर, और जो रील्स जिसके पास पहुंचा वो रिसीवर। ठीक, अब फिर जब ये भेजेगा तो ये ट्रांसमीटर का काम करेगा, ऑप्टिकल फाइबर फिर बीच में रहेगा, मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा, और आपका फ़ोन क्या करेगा फिर रिसीवर का काम करेगा। मतलब क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और रिसीवर, ये तीन पार्ट क्या हैं, ऑप्टिकल सॉरी फाइबर ऑप्टिक्स डाटा लिंक के पार्ट हैं। ठीक, और भी पार्ट इसमें हो सकते हैं, ठीक, लेकिन कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, नहीं तो उसको और दिखाया गया था कैसे कैसे क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, वो हो सके आपको एमएससी में पढ़ना हो। ठीक, क्योंकि हम लोग वो सब एमएससी में पढ़े थे। ओके, 17 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, तथा साथ ही साथ अगर कहीं डाउट होता है तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर निसंकोच आप पूछिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।